निर्माण किया गया था। ये संघर्ष समिति सभी शिक्षक संगठनों की ओर से एक संयुक्त मोर्चे के रूप में थी, जिसका संयोजक सुनील महला को और सह संयोजक सूरज भान को बनाया गया था, उसमें से इनको हम बर्खास्त करते हैं। उसके बाद में आगामी 30 मई से राजधानी जयपुर के इसी शहीद स्मारक पर हम आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये आर पार की लड़ाई होगी, इसके अंदर मैं स्वयं इस संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं स्वयं अनशन पे बैठूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी अनशन किए, 9-9 महीने का मैंने सस्पेंड निलंबन का दुख झेला है, यात्राएं निकाली है। इस 30 मई से पहले प्रदेश के 200 के 200 विधानसभा के जो निर्वाचित विधायक हैं उन तक हम उनको भी 30 मई के दिन, क्योंकि वो सभी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय नहीं करना चाहते ट्रांसफर, उनको भी इसे आंदोलन के अंदर शरीक होने के लिए शामिल करने के लिए हम उनको निमंत्रण देने जाएंगे, उनको इसमें शामिल होने के लिए आग्रह करेंगे। तो कल से ही हम प्रदेश के सभी विधायकों को ज्ञापन देने के लिए, आमंत्रित करने के लिए कमेटियां बना दी गई हैं, ब्लॉक स्तर से हम वहां पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री ने बुलाकर, आज हमारा टैगलाइन भी है कि मुख्यमंत्री ने तबादलों की मांग पूरी करवाने के लिए बुलाकर आई लव यू बुला दिया। कुछ साथी कह रहे हैं कि हमने हमारे हमसफरों को भी आई लव यू नहीं बोला, लेकिन मुख्यमंत्री को आई लव यू बुलाया, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, आई लव यू बोलते, लेकिन तबादला होने के बाद में, लेकिन तबादलों का तय नहीं बोला गया। जब व्यवस्थाएं बिगड़ी देखा तो मुख्यमंत्री ने वही जासा मंत्री का जो जुमला था वो राग अलापात पॉलिसी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब चपरासी से लेकर डीओ तक के ट्रांसफर बिना पॉलिसी हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, तो तृतीयक श्रेणी शिक्षकों ने ऐसा क्या किया, जबकि चुनावी प्रक्रिया के अंदर, चुनावों के अंदर, चाहे बीएलओ का काम हो, चुनाव करवाने काम हो, मतगणना काम हो, सारा मेरा तृतीयक श्रेणी का शिक्षक करता है। आज राहत शिविरों में तृतीयक श्रेणी का शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहा है, बीएलओ ड्यूटी कर रहा है, इनको कोई सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन का काम करवाना होता हो तृतीयक श्रेणी का शिक्षक करता है।